वेलकम बैक टू आवर चैनल वी मैच। सो आज हम जा रहे हैं दोबारा ईओडी एवरी अदर डे एडवेंचर पार्क। एक बार हम ऑलरेडी होकर आ चुके हैं, हमने अपना ब्लॉग भी अपलोड किया हुआ है। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए हमारे प्रीवियस ब्लॉग की तो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में चेक कर सकते हैं। और आज हम दोबारा जा रहे हैं क्योंकि ये दोनों जो बच्ची है ना, दोनों की दोनों शैतान लड़कियां, इन दोनों को जाना है ना आपको। हाँ, जाना है। बहुत टाइम से इनकी जिद थी हमारा ब्लॉग देखने के बाद ना कि हमें भी वो जंगल एडवेंचर पार्क जो है उसमें जाना है, तो इसलिए हम इनको विजिट करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। आज काफी वैसे दिल्ली में आ गए इसलिए वापस मास्क लगाना पड़ रहा है। अभी नहीं आए, कोई बात नहीं, मास्क तो लगा ही लेते। ये है हमारी छोटी सी प्यारी सी कुकु। हाय बोलो। बोलो हाय गाइस। आप कहाँ जा रहे हो आज? हेलोवीन। हेलोवीन तो कल हो गया, कल ये दोनों हेलोवीन बनी हुई थी। हाँ, मैं बहुत डरावनी लगी थी। मम्मी ने कहा कि ऐसे में ब्लैक एंड व्हाइट देखा है, लेकिन मम्मी ने कहा था ऐसे में ब्लैक एंड व्हाइट देखा, लेकिन ऐसे में नहीं। चलो अब हम मिलते हैं डायरेक्ट हमारे एडवेंचर पार्क में, ठीक है? पहुंचते ही फिर हम वापस स्टार्ट करेंगे व्लॉग। ये हम पहुंच गए हैं एवरी अदर डे पार्क ईओडी। ये रहा इसका मेन गेट, ये है मयूर विहार फेज वन में। आप लोगों को भी अगर आना हो तो आप यहाँ आ सकते हैं, और जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए तो काफी नियर बाय है मयूर विहार के आसपास के एरिया वालों के लिए। ये है हमारा ईओडी एवरी अदर डे एडवेंचर पार्क। हम कर रहे हैं इसमें एंटर। मजा तो बाबू अभी आएगा, अभी और अंदर चलते हैं। ये है इसका पूरा पार्किंग स्पेस, काफी ज्यादा स्पेस है। आप स्कूटी से आए, बाइक से आए, या फिर आप गाड़ी से आए, कार से आए, पार्किंग यहाँ पर रहेगी। और पार्किंग यहाँ की फ्री है, फ्री फ्री फ्री। सामने इसका टिकट काउंटर, ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं। कहाँ है ये देखो, कॉम्बोज भी दिए हुए हैं। ये एडल्ट्स के लिए कुछ कॉम्बोज हैं। आज वीकडेज है ना, हाँ मंडे। ये है टिकट्स के प्राइस, अगर वन टाइम करनी है सारी एक्टिविटीज तो उसके लिए 200 प्राइस है एडल्ट्स के लिए, और अगर अनलिमिटेड टाइम्स करनी है तो उसके लिए 300 है। इसमें ओनली एक्सक्लूडेड है बॉलिंग और बोटिंग। ये ओनली वन टाइम है बोटिंग और बॉलिंग, ओनली 2 गेम्स है, और ये वीकेंड के अकॉर्डिंग प्राइस है, थोड़े हाई प्राइस है पर ठीक है, काफ़ी अफोर्डेबल है। और किड्स के लिए प्राइसेस हैं यहाँ पर 200 रुपीज़ पर चाइल्ड। ये है यहाँ का मेन एंट्री गेट। इधर आओ, अपना हैंड से आगे करो, हैंड आगे करो अपना, ऐसे करो, उनके पास करो। कुकु आप भी करो, ऐसे हैंड करो। इसका नहीं है, बस इसके लिए नहीं है, लूज हो रहा है ना। बच्चों का एरिया कौन कौन सा है? कि सॉफ्ट प्ले जंगल हाउस किड्स फन जोन, इनके लिए जंगल हाउस नहीं होगा, इनके लिए तीनों है, इनके लिए दो चीज है, किड्स फन जोन सॉफ्ट प्ले। चलो पहले चलते हैं ट्री हाउस में, जल्दी जल्दी जल्दी। वाओ यहाँ तो म्यूजिक भी चल रहा है, यहाँ पे तो म्यूजिक भी चल रहा है। कुकु जल्दी आओ, आ जाओ जल्दी आओ, भाग के भाग के भाग के।
डिज्नीलैंड टाइप का एक बलून, यहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। काश ऐसी चीज हमारे लिए भी होती। इच्छा तो बहुत करती है इसमें जाने की, लेकिन अलाउड नहीं है ना यहाँ पर। बताओ इधर देखो, इधर देखो क्या, कितने मजा आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। गो 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 गो। महल पूरा गिर गया है, पूरा महल ढह गया है। देखो चढ़ना है दिशु मैडम का। दिशु जी, दिशु जी आपको कहाँ जाना है? ट्री टॉप कहाँ है? चले घर चले। अरे हाँ यार, इसके पैर में लग चुकी है ना। नहीं लगी तो अभी तक। अभी तो आपने बोला कि पैर में लग गई है मेरे। आंसू भी निकल रहे थे तेरे तो अभी। बहुत तेज तेज, वो भी इतने मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे। अब बताना जरा, मुंह लगा के नहीं पीने का क्या बोला? अच्छा अपने अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ। ये देखो पानी पीने का सही तरीका है। ओहो, ये हमारी दिशु द डॉन ऊपर चढ़ चुकी है ट्री टॉप कोर्स में, ट्री हाउस में। दिशु डर नहीं लग रहा? दिशु डर नहीं लग रहा? इसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी ना यहाँ पर आने की। दिशु बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी ना आपको यहाँ आने की? आप कैसा लग रहा बताओ भी तो सही। बहुत अच्छा, तेज बोलना पड़ेगा आपको। ये वहाँ से लेके यहाँ तक है, बच्चों के लिए तो के हिसाब से काफी अच्छा है, मतलब हाइट वगैरह सब ठीक है। डर तो नहीं लग रहा नीचे देख के? बिल्कुल बीचों बीच आके डर रही है, देखना। दिशु अगर आप आगे नहीं बढ़े तो बाकी एक्टिविटी कैसे करोगे? ये तो कर लेंगे धीरे धीरे करके। गो 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 गो, आराम आराम से, आराम आराम से। यस यस यस, कुकू ब्रेव बच्चा। यस ये कुकू, यस धीरे धीरे, ऑल 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 ऑल, धीरे 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 कुकू। यस 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 यस, बाहर नहीं बाहर नहीं बाहर नहीं। ये कुकू कितना ब्रेव बच्चा है ना। देखो इन बच्चों के लिए तो ये ट्री हाउस की एक्टिविटीज थी भी नहीं, जंगल एक्टिविटीज, जबकि ये ले रही है सारे मजे। यस कुकू यस, जल्दी 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 जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। यस ये जल्दी से दौड़ के जाओ, उस पर दौड़ के जाओ कुकू, दौड़ के जाओ। जल्दी से ब्रिज पार करो, फिर उसके बाद चलते हैं मिक्की माउस के टनल में। कहाँ चलेंगे कुकू? मिक्की माउस टनल, जल्दी आओ। यार दिशु ने ये वाली एक्टिविटी नहीं की, बताओ ये वाली कितनी अच्छी एक्टिविटी थी। मैं इसको तो कर सकती हूँ आराम से, बड़े वाले में तो मुझे डर लगता है, लेकिन इसको मैं कर सकती हूँ। दिशु एक बार, दिशु एक बार और सोच लो, ये वाली एक्टिविटी कर लो प्लीज। वाह
चलो चलो चलो, यहाँ पे बहुत सारे बीच बीच में टनल्स हैं, पाइप्स हैं। चलो शू, हाँ दिशु बाबू, आप तो छोटे से बच्चे हो जो ये वाली एक्टिविटी कर लो, है ना। ये तो बहुत ओपन से एक्टिविटी है। नहीं, इसको अपने आप जान दो, हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो अपने आप। जाओ जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, बोरी दीदी निकल भी गई। आप जाओ जल्दी जाओ, दीदी को पकड़ो बाबू, ऐसे रैंक के जाओ नीचे पकड़े। हाँ ओए ओए, बैठ के बैठ के बैठ के बैठ के बैठ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, ऐसे हाथ नीचे रखो, यहाँ पे रखो हाथ। चलो अपने आप जाने दो इसे, ऐसे घोड़ा बन के, घोड़ा बन के। स्मार्ट है लड़की, अपने आप समझ जाती है सारा कैसे निकल। मैं यहाँ हूँ, कहाँ पे हो आप कुकू, आप कहाँ पे हो? मैं यहाँ हूँ, जल्दी जल्दी दीदी। हा हा हा, मिकी माउस हाउस में दोनों एंटर कर रहे हैं, दोनों बच्चे। और है ना, अंदर पूरा घूमना अच्छे से, ठीक है, अंदर पूरा घूमना अच्छे से। और उसके बाद ना ये देखो, अंदर पूरी टनल है, और जहां से भी आपको लाइट दिखेगी ना, वहां से जगह जगह से बाहर निकलना। वाला एक्टिविटी वाली एक्टिविटी करना चाह रही है। पहले इतना डर रही थी, मैं वाली वीडियो क्लिप भी जरूर ऐड करूंगी दिशु, जिसमें आप डर रहे थे ना बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद आपने सेकंड टाइम में कितने अच्छे से कर लिया ना, मजा आया। यस, अब हम जा रहे हैं इसमें किड्स जोन है। यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज वगैरह हैं छोटे बच्चों के लिए, जो कि ओनली कुकू के काम के हैं, है ना कुकू? हाँ जी, आ जाओ कुकू। मजा आया कितना? बहुत मजा आया। चलो इसमें चले गए हम, यहाँ पे हैं सॉफ्ट टॉयज। यह है सॉफ्ट प्ले एरिया, जो कि मेन एंट्री गेट के जो एंट्रेंस है उसके जस्ट सामने ही है। वाओ, कितना अच्छा एरिया ने। यह है ड्रैगन माउथ,
छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये। ककू क्या है ये? ट्रेन। ये काफी मस्त मस्त झूले हैं यार यहाँ पर तो। भाई जिन्हें भी अपने बच्चों को ऐसे एडवेंचर वाली जगह पे लेके जाना हो ना, छोटे छोटे बच्चों को और ये 10 साल तक के बच्चों को, तो यहाँ पे लेके आए ईओडी में। बड़ों से जाते हो ना, बच्चों के लिए एडवेंचर है यहाँ पर। कुकू बोलो। एरिया में जहाँ पर एडल्ट्स के लिए सारी एक्टिविटीज़ हैं। अभी हम जब आए थे तो इस वाले साइन से यहाँ बैक में मुड़ गए थे, पीछे के यहाँ किड्स एरिया है, पूरा किड्स जोन है। और ये जो छोटा सा एंट्रेंस पे एक हाउस जैसा बना हुआ है, इसमें भी किड्स के लिए है सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह। यहाँ पे एक छोटा सा स्नैक्स वगैरह के लिए एरिया है। और ये जो सामने दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। ये दो हाउस बने हुए हैं, इनमें बैडमिंटन नहीं बॉलिंग होती है और कैरम्स वगैरह हैं। और बीच में थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट के लिए पार्क वगैरह है। ये है सामने ट्री टॉप कोर्स जो आपको दिख रहा होगा, और जूम कर देती हूँ। ट्री टॉप कोर्स जो कि बड़ों के लिए है, जैसे कि मेरे जैसे लोगों के लिए, पर मैं करती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है। एक बार कर चुकी हूँ बड़ी मुश्किल से, अब दूसरी बार नहीं करूँगी। ओके, सो अगर आपको ये बड़े वाली एक्टिविटीज़ देखनी, हम तो नहीं करेंगे इस बार ना, एक बार कर चुके हैं। अगर देखनी है तो हमारे चैनल पर ही दूसरा व्लॉग बना हुआ है ईओडी के नाम से, आप उसको देख लें। उसमें हमने सारी एडल्ट्स वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर अवेलेबल, वो सब हमने की हुई हैं। यहाँ पे बॉलिंग वगैरह है, ये सब हम उसमें दिखा चुके हैं, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं क्या क्या एक्टिविटी। यहाँ पे ये दर्शक मुंह बना के बैठे हुए हैं क्योंकि इनकी मम्मा ने मना किया हुआ नहाने के लिए। दोनों को बहुत बुरा लग रहा है, सामने चल रहा है रेन डांस, इनके जस्ट आंखों के सामने रेन डांस चल रहा है और ये दोनों कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये है बोट हाउस एरिया, यहाँ पे होती है बोटिंग। रास्ता देखो कितना ज़्यादा सकड़ा बना हुआ है यार, रिस्की रिस्की रिस्की। ये जो बेंचेस लगी हुई है इन्हीं पे रास्ता बना रखा है इन्हीं का।
गोस्ट हाउस भी है ना हटा चुके हैं यहाँ पर, गोस्ट हाउस भी हमें मिला नहीं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय कुकू बाय बाय। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करें कुकू बोला, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी तो सुन लो प्लीज।